नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा और उसके पहले दो शब्द, आप और हम और पूरा राष्ट्र। इस वक्त एक गंभीर कीटाणु जनित बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रात दिन एक किए हुए हैं। उनके चेहरे से मालूम होता है कि वो कितने मन के अंदर चिंतित हैं। तो इस वक्त आपका और हमारा सबका फर्ज बनता है कि उनके हाथ मजबूत करें, हर तरह से सहयोग करें और लॉकडाउन का पालन करें। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और ये संकट बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज दूर करेंगे, मालिक दूर करेगा, आप सब सुखी होंगे। हाँ, आज मैं आपको पुरुष शक्ति बढ़ाने वाले 12 से 14 नुस्खे आपको दूंगा। पुरुष शक्ति बढ़ाने वाले नुस्खे आपको दूंगा, उनमें से जो आपको सरल प्रतीत हो, निर्दोष प्रतीत हो, उसे आप करें। नुस्खा नंबर एक, हाँ ये दूध और सौंठ का नुस्खा है। इसको बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आधा लीटर दूध में आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ, सौंठ का मतलब जो अदरक से बनती है, आधा लीटर दूध में आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ को डाल करके दूध को अच्छी तरह उबाल लें। ऐसे दूध का लगभग 15 दिनों तक सुबह के समय सेवन करने से शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ती है और शारीरिक शक्ति के साथ में मानसिक शक्ति भी बहुत बढ़ती है। ये प्रयोग, अभी गर्मी का मौसम है, आप 15 से 21 दिन ही करें और दूध गाय का लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बारिश के दिनों में 2 महीना कर सकते हैं। अगला प्रयोग नंबर 2, ये मस्तंगी बैंगन और दूध इनका है। तो मस्तंगी 3 ग्राम और बैंगन के बीज 3 ग्राम, दोनों को पीस के पाउडर बनाएं। इस पाउडर में थोड़ी सी आप चंदन का चूरा जरा सा वो डाल करके और सबको करल में एक जीव कर लें और फिर शहद की सहायता से अथवा पानी की सहायता से छोटी छोटी गोलियां बना लें चने के आकार की, और सुबह एक गोली दूध से और रात को एक गोली दूध से 41 दिन ये प्रयोग करने से आपको पुरुष शक्ति की प्राप्ति होगी। आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहेगा और आपकी सेक्स की कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। मस्तंगी का मतलब रूमी मस्तंगी से है। तो मस्तंगी 3 ग्राम और बैंगन के बीज 3 ग्राम, इन दोनों का पाउडर बना करके और एक हरल के अंदर डाल दें अथवा मिक्सी में डाल दें और थोड़ा सा ये बुरादा आता है चंदन का, थोड़ा सा अंदाज से आधा चम्मच वो डाल दें और उसके बाद बाहर निकाल के और इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें और सूखने के बाद डिब्बे में रख लें। एक गोली सुबह और एक गोली रात को और ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध। हाँ, नंबर 3 का जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, ये नीम शीशम बथुआ और दूध। हाँ, इसके अंदर नीम की कोंपल, शीशम की कोंपल, बथुआ, ये तीनों चीजें 5-5 ग्राम लेकर के चटनी की तरह मिक्सी में बना लें। इसमें से 5 ग्राम चटनी का सेवन सुबह के समय करके ऊपर दूध पिएं तो इससे पुरुष की शक्ति बहुत बढ़ती है। और ये ग्रंथकार लिखते हैं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं हर नुस्खे में ये नहीं कहता हूँ,
इसी पे करता हूं, तो इसलिए इसको मैं एक बार और आपको बता देता हूं। देखिए, अगर कोई चीज मेरी बताई हुई आपके समझ में नहीं आती है तो मैं चाहे कितना भी बताऊं तो वो बेकार है, और मैं अगर कम बताऊं आपके समझ में आ जाए तो वो एक बहुत अच्छा काम है। सौंठ, हाँ, ये नीम, शीशम और बथुआ का योग, मैं आपको नंबर 10 का नुस्खा बता रहा हूँ। नीम की कोंपल, कोंपल का मतलब छोटे पत्ते, इस वक्त खूब हैं। नीम की कोंपल और शीशम की कोंपल, छोटे पत्ते, कच्चे पत्ते, और बथुआ, ये 5-5 ग्राम लेकर के और इसको धनिया की चटनी की तरह बना ले, और बनाने के बाद सिर्फ 5 ग्राम अंदाज से 1 बड़ा चम्मच मुंह में खा के ऊपर गाय का दूध पी लें। ये प्रयोग 41 दिन करें, कोई बात नहीं, किसी भी उम्र के करें। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे पुरुष शक्ति और स्टेमिना आपका खूब बढ़ेगा। अगला चौथा नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सौंठ, सतावर, गोरख, मुंडी और इसके अंदर भांग। तो मैं इस नुस्खे को बताने के पहले मैं एक नुस्खा जो मेरे को, देखो ये सब चीज़ें वक्त पे याद आती है, कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे मुझको भी याद नहीं रहता है। इस नुस्खे को बताने के पहले मैं एक आपको दोहा बताता हूँ। सौंठ, सतावर, गोरख, मुंडी और उसमें डाले निर्गुंडी, कभी न झुके मर्द की डंडी, कैसी भी भैंचोद हो रंडी। सौंठ, सतावर, गोरख, मुंडी और उसमें डाले निर्गुंडी, कभी न झुके मर्द की डंडी, कैसी भी हो रंडी। तो ये प्रयोग तो आप आगे जाके कर लेना। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं चौथे नंबर का, इसमें सौंठ, सतावर, गोरख, मुंडी और अंदाज से आपकी ताकत के हिसाब से भांग, ये सबको पीस करके और हल्का इसमें मिश्री डाल दें आपके टेस्ट के हिसाब से, और एक जाए करके सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ मुंह में डाला, दूध पिया, तो इससे आपका टाइमिंग बढ़ेगा, कमजोरी नहीं आएगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा। याद रखिए, भांग हिसाब से डालें। अगला जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ नंबर 5, ये बबूल, देसी घी और दूध का नुस्खा है। देखिए, 100 ग्राम देसी बबूल का गोंद देसी गाय के घी के अंदर भूने। 100 ग्राम देसी बबूल का गोंद देसी गाय के घी में भूने, फिर इसे कूट पीट करके पाउडर बना ले। आधा चम्मच गोंद खा करके ऊपर गाय का दूध मिश्री मिलावा पी ले, 41 दिन मर्दानगी आ जाएगी। अरे कितना सरल नुस्खा कौन देगा आपको, अकेला बबूल का गोंद आपको पंसारी से जाके 100 ग्राम ले आना, कुछ नहीं करना। बबूल का गोंद ला करके और उसको गाय के घी के अंदर भून लेवे, और भूनने के बाद पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को लेके ऊपर दूध पी लें। तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे सरल नुस्खा और बढ़िया है। अगला नुस्खा जो नंबर 6 का है, ये गिलोय, गोखरू, बंसलोचन, इलायची, शहद और मक्खन। तो ये जो नुस्खा है, सत गिलोय यानी गिलोय का जो सत्व आता है, सत गिलोय, गोखरू, बंसलोचन तथा छोटी इलायची, इलायची का मतलब उसके दानों से होता है, ये चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर के और पीस करके शीशी में भर लें। इसमें से 10 ग्राम चूर्ण शहद से या मक्खन से सुबह लें, 1 टाइम रात को भी ले सकते हैं, ऊपर दूध पिए, मस्त हो जाएंगे, तबीयत खिल जाएगी। अगला जो प्रयोग 7, बबूल, ढाक, सतावर, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, मुलट्टी और दूध। इसमें बबूल का गोंद, ढाक का गोंद, सतावर,
काली मूसली, सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुलहैटी, ताल मखाने के बीज, ये सब चीजें 100 100 ग्राम लेकर के पाउडर बना लें। अब इसमें 200 ग्राम आप मिश्री या कच्ची खांड मिलावें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को, बताने की जरूरत नहीं किसके साथ लेना है, और 41 दिन लें, 18 साल से लेके, अभी मैं जो भी नुस्खे बता रहा हूं 18 साल से 80 साल तक कोई भी ले सकता है, 90 साल तक भी ले सकता है। तो ये लिखते हैं कि नपुंसकता को नष्ट करता है, काम शक्ति बढ़ाता है। तो ये नुस्खा तो बड़ा लाजवाब है, इसको दोबारा बताना जरूरी है। हाँ, फिर मजा नहीं आएगा। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, लिख लिख सकते हैं। बबूल का गोंद, ढाक का गोंद, ढाक बोलते हैं फलाश को, बबूल का गोंद, ढाक का गोंद, सतावर, काली मूसली, सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुलहटी और ताल मखाने के बीज, इन सब चीजों को 100 100 ग्राम लेवें, पाउडर बनावें और इसमें 200 ग्राम मिश्री का पाउडर या खांड मिला लें। ये आपकी दवा तैयार है, एक डिब्बे में भर के रखें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को टिकाएं और ऊपर गाय का दूध पिए। देखें कौन आता आपके सामने, किसकी ताकत है, कौन सी दवाई की ताकत है इतनी। ये प्रयोग अगर आपने नेम से किया, ईमानदारी से किया, टाइम टू टाइम किया, गो दूध के साथ किया, और ये सब चीजें अच्छी देख के लाएंगे और मन से किया, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको फायदा नहीं हो, निश्चित आपको फायदा होगा। हाँ, अगला प्रयोग 8 नंबर, देखिए, ये लहसुन प्याज और गाजर का है। लहसुन प्याज और गाजर, इन तीनों का रस 1 1 चम्मच। अब इस वक्त गाजर का मौसम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आती होगी, या नहीं आए तो जब आए जब करें। लहसुन प्याज और गाजर, इन सब का 1 1 चम्मच रस, ये सुबह के एक वक्त 41 दिन एक समय करें। इससे शरीर के अंदर ताकत आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका सेक्स टाइम बढ़ेगा, आपका एनीमिया दूर होगा, और उसके साथ साथ आपका, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी कम होगा, आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ होगा। इसको हाई और लो ब्लड प्रेशर वाले कोई भी ले सकते हैं। अगला जो मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ, नाहिर, देखिए, कोंच, ताल मखाना, कूजा और दूध, इनका ही एक प्रयोग है। कोंच के बीजों का चूर्ण 6 ग्राम, ताल मखाने के बीजों का चूर्ण 6 ग्राम, पीसी हुई मिश्री 5 ग्राम, इनको मिलाकर के रात में खाकर ऊपर गाय का दूध पिए, ये उत्तम पुष्टिकारक तथा पौरुष शक्ति को बढ़ाने वाला योग है। कोंच के बीजों का चूर्ण 6 ग्राम, ताल मखाने के बीजों का चूर्ण 6 ग्राम और उतनी ही मिश्री मिला करके, और इनको 5 ग्राम की मात्रा रात में खाएं, सुबह नहीं, और ऊपर दूध पिए, तो ये पुष्टिकारक योग और पौरुष शक्ति को खूब बढ़ाने वाला योग है। अगला जो मैं 11वां नंबर का जो प्रयोग आपको बताऊंगा, वो बरगद, पीपल और निम्बोली और दूध, इनका है। देखिए, बरगद के पके हुए फल, पीपल के फल और नीम की निम्बोली, तीन चीज, बरगद के फल पके हुए, पीपल के फल और नीम की निम्बोलियां, ये खूब, अभी नीम की निम्बोलियां खूब आएगी। तीनों को 100 100 ग्राम की मात्रा में लेके सुखा ले और फिर उसके बाद पाउडर बनाए और एक उसमें भर करके प्रतिदिन दूध के साथ 1 1 चम्मच सुबह और रात को लेने से शरीर में असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। और इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है 1000 बीमारियों को दूर करता है, बरगद का पेड़ होता है
10,000 बीमारियों को ठीक करता है, ओल्ड नेम 50,000 बीमारियों को ठीक करता है। अरे विदेशी लोग नेम ले गए अपना, अपने नाम करा लिया, ये पेड़ बचे हुए हैं ना, अपने नसीब हैं, आने वाली पीढ़ियों को नीम के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? कोई नए लगाते ही नहीं है, खेत जाने दो इन बातों को। हाँ, नंबर 12 का जो प्रयोग है वो अश्वगंध और गिलोय और धनिया का प्रयोग है, इसे आप करें, इसमें मेथी और दूध भी है। ये प्रयोग इस तरह से हैं, देखिए, अश्वगंधा 150 ग्राम, गिलोय सत्व 50 ग्राम, सूखा धनिया जो घर में काम में लेते हैं 100 ग्राम और मेथी के बीज 100 ग्राम। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, अश्वगंध 150 ग्राम, गिलोय सत्व 50 ग्राम, सूखा धनिया 100 ग्राम और मेथी के दाने 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बना करके और भृंगराज के रस में घुटाई करें तो आपको देखिए भृंगराज का रस नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसमें 50 ग्राम सूखा भृंगराज मिला दें पाउडर करके और इसकी गोलियां बना लें बड़ी बड़ी, बड़ा चने वाला, तो दो गोली सुबह दो गोली रात को ऊपर लेके गाय का दूध पिए। ये नुस्खा बहुत प्यारा नुस्खा है और जो डायबिटीज के पेशेंट है वो दूध में मीठा ना मिलाए और वो इस नुस्खे को जरूर करें, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर मेथी है और गिलोय है, ये डायबिटीज को खत्म करती है। अश्वगंधा आपकी पौरुष शक्ति को ताकत देती है, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनकी शक्ति क्षमता कम हो गई है वो इस प्रयोग को जरूर करें, जरूर करें। 41 दिन नहीं, 61 दिन करें, 100 दिन करें, कोई दुष्प्रभाव नहीं। अगला नुस्खा जो मैं दे रहा हूं आपको, नंबर 13, इस नुस्खे के योग बबूल, मौलसिरी, सतावर और मौसरस और दूध। हाँ, बबूल की कच्ची कलियां, कच्ची कलियां यानी कि बबूल की छोटे छोटे पत्ते, बबूल की कच्ची कलियां, मौलसिरी की सूखी हुई छाल, सतावर और मौसरस। बबूल की कच्ची फलियां, मौलसिरी की सूखी हुई छाल, सतावरी और मौसरस, ये सब चीजें 50-50 ग्राम लेकर के कूट पीट के पाउडर बना लें और 200 ग्राम मिश्री या देसी बूरा शक्कर मिलावें। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं एक बार उनको कह देता हूँ और बार बार भी कहूँगा, जहाँ मेथी का योग आता है उसकी जगह वो सिंगाड़े का आटा काम में लें। तो ये चूर्ण बनाने के बाद 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम रात को गाय के दूध से वल्ले वल्ले हो जाएगी। हाँ, अंतिम जो नुस्खा है 14 यानी कि 14, इस नुस्खे के जो योग में कंटेंट्स हैं, सालम मिश्री, सकाकुल मिश्री, तोदरी सफ़ेद, कौंस, ताल मखाना, सर वाला, सफ़ेद मुसली, काली मुसली, बैमन सफ़ेद, सतावर, इमली और दूध। बोलो, इतनी चीज़ें हैं इस नुस्खे के अंदर। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, लिख लो, सालम मिश्री, सकाकुल मिश्री, तोदरी सफ़ेद, कोंच के बीजों की मेंगी, इमली के बीजों की मेंगी, ताल मखाना, सर वाला के बीज, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बहमन सफ़ेद, सतावर तथा धाक की नरम कलियां, ये सब 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस डालें। अब इसमें 200 ग्राम मिश्री का पाउडर मिलाएं, सुबह और रात को एक एक चम्मच चूर्ण फांक करके यानी कि मुंह में डाल करके गाय का दूध पिए। दूध में अब मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है, ये चूर्ण में मीठा है, और जो मीठा मिलाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रयोग 40 दिन तक करने से एक तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, एक आपकी कमजोरी दूर होगी और एक शरीर में पौरुष शक्ति बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा। ये नुस्खा सिर के दर्द, कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, साथ ही दिल और दिमाग को ताकतवर बनाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आज आपको
पौरुष शक्ति के 14 नुस्खे बताएं। तो मेरी खुद की जो एडवाइज है वो ये कि इसमें जो ये अंतिम नुस्खा मैंने बताया है 14, इसको कीजिए, 61 दिन कीजिए, आपकी कोई सेक्स संबंधी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सालम मिश्री, शकाकुल मिश्री, तोदरी सफ़ेद, कोंच के बीजों की मिंगी, इमली के बीजों की मिंगी, ताल मखाना, सरवाला के बीज, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बैमन सफ़ेद, सतावर तथा ढाक की नरम कलियां, ये 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर पीसें। इसमें 200 ग्राम मिश्री मिलाएं, सुबह शाम एक एक चम्मच लेकर के ऊपर गाय का दूध पिए। इस नुस्खे को खाने से याददाश्ती कमजोरी, शरीर में पौरुष शक्ति की वृद्धि होती है। ये नुस्खा सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर के दर्द को दूर करता है और दिल को और दिमाग को ताकत दे करके मजबूत करता है। ये नुस्खा हर कोई ले सकता है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो मिश्री को हटा करके इसके अंदर सिंगाड़े का आटा रख लें। देखिए दोस्तों, मैंने आज आपको पुरुष शक्ति मर्दानगी बढ़ाने के लिए, आप ये कभी मत सोचना कि ये जो नुस्खे हैं ये एक सिर्फ सेक्स पावर वालों के लिए है, ऐसा कदापि ना सोचें। ये शरीर के कितने ही रोगों को ठीक करते हैं, हैं? इन नुस्खों का प्रयोग कीजिए। और फिर भी मैं एक बात कर देता हूँ, जो आपको सरल लगे वो नुस्खा कीजिए। आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आप तंदुरुस्त होंगे। और जब आप तंदुरुस्त होंगे तो फिर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। थैंक्स।